दाहिने हाथ में दोनों घुटने में नेकब लगाए हुए यही है मुमताज पहलवान। कहा के बनारस DLW वाराणसी, उन्हीं के सवाल के जवाब में नेपाल टाइगर रूपंदेही जिला नवलपरासी जिला बैजनाथ पहलवान नेपाल की जान और नेपाल की शान दोनों घुटने में नेकब लगाए हुए ये है बैजनाथ पहलवान। रेफरी साहब समय दीजिए। देखिए हमारे रेफरी साहब कह रहे हैं ये इनामी कुश्ती है, तृतीय पुरस्कार से शुरुआत हो रहा है, एक कुश्ती आरंभ पार होगी। देखिए भैया आरंभ पार मत करिए, कोई समय डिसीजन दे निर्णय दे दीजिए, आरंभ पार खतरे की निशानी होती है। अरे भैया कोई समय निर्णय दे दीजिए। अरे ऐसा करें पहले टाइम दे उसके बाद में ठप हो जाता है। वही हम कह रहे हैं भैया, वही कह रहे हैं। चलिए रेफरी ने जो कह दिया उसी को फाइनल माना जाए। कुश्ती शुरू हो गई है नेपाल और भारत के बीच में। काले पहलवान काले रंग के जो हैं वो हैं मुमताज पहलवान, इलाहाबाद की बनारस भाई, DLW बनारस, बनारस बनारस के पहलवान। गंगा नदी का पानी और दूसरे तरफ है नेपाल की जवानी। एक तरफ सेखुआ की गुल्ली, दूसरे तरफ है काला जामुन। जी डालडा के डिब्बा है, डालडा के डिब्बा। अरे भाई लेकिन चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा घमासान कुश्ती हम लोग देखेंगे। के लिए ये दोनों पहलवान जंग मैदान में मल युद्ध में लड़ रहे हैं 25,000 की इनामी कुश्ती के लिए। देखता है जिसके बाजुओं में जितना दम होगा वो पटक करके 25,000 का मुलायम सिंह जी से 25,000 का चेक छीन करके ले जाएगा। बहुत ही जानदार और शानदार कुश्ती हो रहा है इस संग्रामा के मैदान पे, और इस कुश्ती को करवाने के लिए युवा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए संगम सहारा युवा क्लब को बार बार धन्यवाद देना दे रहे हैं हम लोग। आप लोगों ने इतना बड़ा प्रयास किया और हर साल की तरह इस साल भी एक जानदार और शानदार कुश्ती यहाँ हो रहा है, तो बहुत ही घमासान कुश्ती होगा। ये 25,000 के लिए कुश्ती हो रहा है, 25,000 के पुरस्कार के लिए। एक तरफ है नेपाल के जान नेपाल के शान बैजनाथ पहलवान जो कि नीले कट्टू में है, नीले जांगिए में है, और उनके जवाब में काले रंग के जो सफेद कस्टम लगाए हुए हैं मुमताज पहलवान है। भारत और नेपाल के बीच में घमासान जारी। और भैया जो भी बड़ा कुश्ती होता है बहुत ही टाइम लगता है उसको फाइनल होने में, क्योंकि दोनों पहलवान एक दूसरे के ऊपर दाव आजमाइश कर रहे हैं। बहुत ही कद काठी दोनों बराबर। बैजनाथ पहलवान हमारे यही नवलपरासी हकुई निवासी हैं जो कि नेपाल का नाम रोशन करते हुए देश विदेश में। वाह ये बैजनाथ पहलवान और DLW बनारस का पहलवान बचाव कर लिया। बैजनाथ पहलवान पुट्टी दाव मारने के प्रयास में, लेकिन बनारस का भी पहलवान कहीं से कम नहीं, अपना बचाव कर लिया। इस समय बनारस का पहलवान नीचे और नेपाल का पहलवान ऊपर, डेंजर पोजीशन में दोनों पहलवान खतरे से ऊपर आ गए। बहुत ही जानदार कुश्ती का प्रदर्शन हो रहा है अभी अभी। रेफरी साहब देख रहिएगा, बाल ओल्ला ना चुन, बाल मत पकड़िएगा, बाकी दाव लगाइएगा। वाह ये है मुर्गी, झप्पी की झप्पा हो रहा है ये मुर्गी। देखिए देखिए बहुत सही, दोनों पहलवान दाव मार रहे। अरे भाई वाह, ये है नेपाल का सेखुआ की गुल्ली। नेपाल का पहलवान देसी घी का डब्बा है, नेपाल का पहलवान देसी घी का डब्बा है। जियो रे बैजनाथ पहलवान, जियो। ये चलो दाव मारे चोट करो अच्छे पहलवान, ये जवानी से जवानी टकरा दो, देखने वालों को मजा आ जाए। एक मुर्गी की टंगड़ी दूसरा दूध का डिब्बा, देखना है फाइनल किसका होता है।
बहुत ही घमासान नेपाल और भारत के बीच में, नेपाल का पहलवान अभी नीचे, भारत का पहलवान ऊपर, और ये भारत के पहलवान दाव पेच की आजमाइश करते हुए अरे भाई देखिए भाई बाहर से कोई मत बोलिए। नहीं पहलवान भाई बाहर से कोई बोल भी रहा तो आप अपना काम करिए, तो कुश्ती है भाई, देखने आए हैं तो थोड़ा बोलबे करेंगे। वाह ये देखिए भारत का पहलवान धीरे धीरे नेपाल के पहलवान पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जवाब में है बैजनाथ पहलवान नेपाल। बच गया। दोनों खतरे की पोजीशन में है, दोनों ही अपने दाव लगाने के प्रयास में, दोनों डेंजर पोजीशन में है, कुछ कहा नहीं जा सकता है साथियों, कौन काम कर जाए, दोनों खतरे के निशान पे हैं। देखिए गलत देखते रहेगा रेफरी साहब, बच गया। बहुत ही खतरनाक दाव लगाया था भारत के पहलवान ने, मुमताज पहलवान ने, लेकिन नेपाल का पहलवान बचने में सफल रहा। और ये भी नब्बे पाउंड से ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। गला पकड़ा हुआ है, और पहलवान सरमान होगा, और मुमताज पहलवान अगर इस तरह से गला पकड़ करके फाउल गेम करके पटक भी देंगे तो उसको आपका मान्य नहीं होगा, इसलिए ईमानदारी से लड़िए। देखिए रेफरी साहब देखते रहिए, उसका 90,000 पकड़ा है, 90,000 पे हाथ रखा है वो। ओ भाई 90,000 को छोड़ दो, 90,000 से दूर रहो। रेफरी का निर्णय सर्वमान होगा। धीरे धीरे भारत का पहलवान नेपाल के पहलवान के ऊपर हावी होते जा रहा है और बहुत ही घमासान रख दिया है 90 किलो का घुटना नेपाल के पहलवान के ऊपर, लेकिन नेपाल का भी पहलवान कहीं से कम नहीं है। पहलवान जी का दाव पेच जारी है, रेफरी महोदय ख्याल करें। अरे सखुआ का सिल्ली है, तनिको ना हिलिए भैया, अरे कहीं इज्जतियां खुल जाए। वही कह रहे हैं भैया 90,000 छोड़ करके। ये लग गया का, अब परेशान हो जाएंगे 90,000 छोड़कर। बहुत ही जानदार कुश्ती हो रहा है, कोई किसी से कम नहीं है, नीचे है जी। फंस गया। ऊंट पहाड़ के नीचे है, फंस गया। काहे रेफरी छोड़ावे, काहे रेफरी छोड़ावे भाई, काहे रेफरी छोड़ावे, काहे छोड़ावे रेफरी। अपने बाजुओं की ताकत लगा के करके छोड़वा लो भाई, क्या हो गया। बहुत सही दाव, कमर बंद दाव लगा दिया है नेपाल का पहलवान, कमर बंद दाव, दोनों पहलवान कहा हो गया गुलाब के काले काले काहे काहे कागज हो भैया। दतकटना पहलवान, ओ दतकटुआ पहलवान, मुर्गे की टंगड़ी खाते खाते आदमी का मांस चबाने का आदत हो गया क्या भाई। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग कृपया शांत रहें, आप लोग अपने जगह से होटिंग कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, लेकिन गाली गलौज मत करिएगा। देखिए पहलवान क्यों है, रेफरी क्यों छुड़ाएगा। डेंजर आरंभ, तुम ही ना कहे हो कि आरंभ पार कुश्ती होगी कोई नहीं छोड़ाएगा, तो लड़ो क्यों रेफरी छोड़ाएगा, आप ही बोले हो कि आरंभ पार कुश्ती होगी, तो जो फंस गए दाव में चिल्ला रहे हो रेफरी छुड़ाओ, रेफरी बचाओ। हटो क्या यार, पानी भी नहीं पीने दे रहे हो पहलवान को। चलो बहुत सही दाव मारो, चोट करो
नेपाल टाइगर विजयी रहा, नेपाल टाइगर विजयी रहा, नेपाल टाइगर विजयी रहा, नेपाल टाइगर विजयी रहा। हेलो, नेपाल।